इंडिया में रैश ड्राइविंग के मामले सबसे ज़्यादा टीनेजर्स के साथ देखे गए, क्योंकि इस उम्र में लोगों को स्पीड का थ्रिल तो दिखाई देता है पर स्पीड का किल वो देखकर भी इग्नोर कर जाते हैं। यही रीज़न है कि इंडिया में आज भी आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स दिखाई देते हैं जहाँ लोगों की अनटाइमली डेथ के केसेस सामने आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को स्पीड के नशे का अंजाम इन वीडियो से विजुअली देखने को मिले और किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। ये डिटेल्स मिस्टर जाना ने हमारे ईमेल पर शेयर किए थे। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट कोलकाता से रिपोर्ट किया गया है जहाँ माँ फ्लाईओवर के पास बलनो का एक हाई स्पीड एक्सीडेंट हो गया। एज पर रिपोर्ट यहाँ पार्क सर्कस से साइंस सिटी जाते वक्त गाड़ी की स्पीड करीब 90 किलोमीटर पर आवर थी और इसी स्पीड पर एक लेफ्ट टर्न सही से गाड़ी नहीं ले पाई और आगे एक पोल से जाकर लड़ी, जिसके बाद डिवाइडर जंप करते हुए गाड़ी दूसरी साइड पहुंच गई। यहां बताया गया कि माँ फ्लाईओवर पर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर है और साथ ही टर्न्स और एग्जिट पर यह स्पीड और कम है यानी 30 किलोमीटर पर आवर, और इसी स्पीड की वजह से यहाँ एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। हालांकि यहाँ गाड़ी के मैकेनिकल फेलियर की भी जांच करी जा रही है। गाड़ी में यहाँ 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे जिसमें गाड़ी चला रहे 19 साल के लड़के की डेथ हो गई। मे सोल रेस्ट इन पीस। बाकी 4 लोग को हैवी इंजरीज आई, होप वो जल्द रिकवर कर जाएं। यहाँ गाड़ी एक बाइकर से भी जाकर लड़ी जिन्हें अगेन हैवी इंजरीज आई एक्सीडेंट में, तो अपने साथ यहाँ दूसरों का भी नुकसान हुआ और अपना लॉस इतना बड़ा था कि एक यंग लड़के की जान चली गई। ये बात पक्की है कि बाकी 4 सर्वाइवर्स जो अगेन टीनेजर्स ही थे, ये लोग ओवर स्पीडिंग करने से पहले 50 बार सोचेंगे और शायद गलती से भी ओवर स्पीडिंग कभी ना करें। और आपका काम यही है कि इन वीडियो को आगे अपने घर दोस्तों में उन सभी टीनेजर्स के साथ शेयर करें जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, ताकि गाड़ी की कंडीशन देखकर वो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स का असली मतलब समझ सकें। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।